ऊपरी क्षेत्रों पर भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन पटरी से फिर उतर गया है और लोगों के लिए ये हिमपात सफेद आफत बनकर आया है। अधिकांश हिस्सों में बिजली, पानी और यातायात सेवाएं ठप पड़ी हैं। हालात सामान्य करने के लिए सरकारी विभागों ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। पहाड़ों में ताजा बर्फबारी से एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली, पानी और यातायात सेवाएं भी ठप हो गई हैं। इस बार बर्फ ऊंचाई तक गिरने से जहां एक ओर बागवान खुश है, वहीं दूसरी ओर लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। ठंड के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की पाइपें ठंड से जमने के कारण पेयजल सप्लाई भी ऊंचाई वाले इलाकों में कई दिनों से ठप है। सरकारी स्तर पर बिजली पानी बहाल करने का कार्य तेज कर दिया गया है। वाहनों की आवाजाही के लिए भी मशीनों द्वारा सड़कों से बर्फ हटाया जा रहा है। मेरा नाम अरुणा है, मैं धार में रहने वाली हूँ। यहाँ पर बहुत सारी बर्फ आई और क्या बोलते हैं, यहाँ पर बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बसें भी नहीं आ रही है। हम अंदर ही है रूम में। नमस्कार जी, मेरा नाम कपिल देव है, मैं नोगी धार से हूँ। कल रात से मौसम काफ़ी ख़राब हो गया, जिससे रात को 2 बजे से बर्फबारी शुरू हो गई और हमारे यहाँ रोड की व्यवस्था भी बंद हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। और कल रात से हमारी जो बिजली है वो भी बंद हो गई है और साथ ही साथ में यहाँ पे पानी भी जम गया है। जो 12-20 से हमारी लाइन आती हैं वो 1 महीने से बंद पड़ी हैं, वहाँ भी बर्फ जमी हुई है, जिसके कारण यहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा है। हाँ, मेरा नाम देवराज है जी। हाँ जी, मैं बिजली बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ALM हूँ जी। हाँ जी, और हम रात को काफ़ी बर्फ आई है, हाँ तो हम बर्फ में काम कर रहे हैं, हम जल्द जल्द इस लाइट को बहाल करेंगे। सिटी चैनल के लिए रामपुर बुशहर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट।